हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट होम गार्डनिंग। मैं हूं आपका दोस्त सुनील। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है नींबू के साइज़ का दिखने वाला फल जिसका नाम है चाइनीज़ ऑरेंज, और इसे हम ऑर्नामेंटल ऑरेंज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये ऑरेंज ज़रूर है, मगर ऑरेंज की तरह ये मीठा नहीं होता, बल्कि बहुत ही खट्टा होता है। और इसके इस खट्टेपन की वजह से इसके बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि इस फ्रूट में विटामिन सी, विटामिन ए काफ़ी होता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम की मेंटेनेंस और उसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, इस प्लांट को सनलाइट काफ़ी पसंद है, और पूरा दिन सनलाइट में रखने से इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। अब मैं आपको इस फ्रूट को छील के दिखाता हूँ कि आखिर अंदर से ये लगता कैसा है। बाहर से देखिए ये कितना खूबसूरत सुंदर है, और जब हम इसको छीलते हैं तो अंदर से बिल्कुल ही जैसे ऑरेंज होता है वैसे ही बिल्कुल अंदर से दिखाई देता है, मगर इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी ही तेज़ है, और उसकी खुशबू से ही इसके खट्टेपन का एहसास होता है। ये देखिए, अंदर से पूरा संतरे की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, नेक्स्ट सीजन में इसमें अच्छी फ्रूटिंग हो तो सबसे पहले हम इसके जितने भी पके हुए फल हैं उसको हम कट कर लेते हैं, और देन उसके बाद हम इसमें प्रूनिंग करेंगे, और फिर उसके बाद एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का मिक्सर बनाएंगे जिसको कि हम बाद में डालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये पके हुए हम फल इसके कट कर लेते हैं। फल हमें कट करना है, इसको खींच के तोड़ना नहीं। दोस्तों, इस फ्रूट के जूस को गुनगुने पानी में मिलाकर और उसमें थोड़ा चीनी या शहद अगर हम डाल के पिए तो सर्दी और जुकाम में काफ़ी फ़ायदा होता है, और फेफड़ों में जमा जो कफ होता है उसको ये निकाल देता है। दोस्तों, इसके जूस के फ़ायदे तो काफ़ी हैं, जैसे एक फ़ायदा इसमें वेट और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है, और शरीर में मौजूद जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और एक्स्ट्रा फैट को ये बर्न करता है। तो ये देखिए कितने ही सुंदर ये फ्रूट लग रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी भी कुछ फ्रूट्स हैं जो कि कच्चे हैं, तो मैं इनको अभी काटता नहीं हूँ। तो चलिए, हम अब इसकी प्रूनिंग करते हैं। तो प्रूनिंग में हम वो सभी ब्रांचेस जिस जो कि काफ़ी लंबी हैं, या तो जिसमें फ्रूटिंग हो चुकी है, और या फिर जिसमें पत्ते झड़ चुके हैं, उन सभी को हम कट कर लेंगे, और जिससे कि उस जगह से आगे मल्टीपल ब्रांचेस निकलें और आगे उसमें फ्रूटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो। तो उन सभी ब्रांचेस को हमें अभी कट कर देना है। दोस्तों, आप इस प्लांट को नर्सरी से खरीद सकते हैं, और छोटा प्लांट लें तो ज़्यादा बेटर होता है बजाय बड़े के, और 5 से 6 महीने उसकी अच्छी तरह केयर करें, मतलब टाइम से उसमें वाटरिंग करें, उसमें फर्टिलाइज़र डालें, तो उसमें फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी होती है। और सबसे अच्छा टाइम इस प्लांट को लगाने का बरसात के महीने में, जैसे कि जुलाई से सितंबर, या फिर फरवरी से मार्च या अप्रैल में होता है, उस दौरान आप इसको प्लांट को अच्छी तरह लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्लांट की भी प्रूनिंग हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है इसके लिए एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का मिक्सर तैयार करना। उसके लिए हमने लिया इसमें 40% सरसों की खल, और 40% हमने लिया इसमें बोन मील, और प्लस 20% हमने लिया इसमें ये नीम के। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, 10 से 12 इंच के गमले में हमें इसके मिक्सर को सिर्फ 2 कप ही डालना है, और छोटे गमले जो कि मतलब 8 इंच के गमले हैं उसमें 1 कप डालना है। तो ये कप का साइज़ है, देखिए इस कप के बराबर। तो हमें इसमें ये 10 इंच का गमला है, तो इसमें हम 2 कप करीब ये मिक्सर डालेंगे, और ये मिक्सर हमें कम से कम 45 दिन में एक बार डालना ज़रूरी है। और ये मिक्सर आप इसको बना के रख लीजिए, और 45 दिन के ड्यूरेशन में आप इसमें इसको डालते रहिए, क्योंकि इसमें हमने बोन मील का यूज़ किया है, तो कम से कम 45 दिन लगते हैं उसको मिट्टी के साथ मिक्स होने में, गलने में। तो दोस्तों, अब इसके बाद हमें इसमें करनी है गुड़ाई, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्सर मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।